सरस्वती नगर में रहने वाले सुनील जायसवाल के घर उसकी बेटी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी कि सुनील जायसवाल ने अपने ही पुत्र को मारने की अमानवीय घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना को लेकर लोगों में काफी चर्चा है। चर्चा इस बात की कि कौन सी ऐसी नौबत आ गई थी कि एक पिता को अपने ही जिगर के टुकड़े को बैनगंगा नदी के पानी में डुबोकर बेदर्दी से मौत के घाट उतारना पड़ गया। पुलिस भी इस घटना से हैरान है। पुलिस की माने तो अपने पुत्र को मौत के घाट उतारने के बाद पिता सुनील जायसवाल घर जाने के बाद कोतवाली थाना में खुद ही पुलिस को इस घटना की सूचना दी। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुनील जायसवाल के घर 29 मई को उसकी बड़ी बेटी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी और वह तैयारियों के लिए सामान लेने स्कूटी से दोपहर में निकला था अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ। तभी पता नहीं कि क्या हुआ, सनक लगी सुनील जायसवाल को कि अपने पुत्र को लेकर बैनगंगा नदी के छोटे पुल के पास जाकर उसने पुत्र के साथ पानी में छलांग लगा दी। यह छलांग उसके पुत्र के लिए मौत का कारण हो गई। बाद में अपने बेल्ट से आरोपी पिता ने मरे बेटे के गले को कसकर पिल्लर से बांध दिया ताकि उसके बेटे का सब पानी के ऊपर ना आ सके। कोतवाली थाना प्रभारी विजय परस्ते ने आवक कर देने वाली इस घटना के पीछे आरोपी पिता के बताए अनुसार बताया कि आर्थिक तंगी हाली होने से कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस भी इस घटना के बाद मौके से सुनील की पुत्र की शव को बरामद कर पोस्टमार्टम होने के बाद जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एक बच्चे का बॉडी मिली बैनगंगा नदी से, क्या है पूरा मामला सर? पुलिस को सूचना मिली थी कि सरस्वती नगर का एक बच्चा है जायसवाल का, प्रतीक जायसवाल, जो बैनगंगा नदी छोटे पुल के पास डूबे अवस्था में मिला दिख रहा है। तो मौके पे जाकर पुलिस द्वारा तस्दीक किया गया है, जो वाकई में वहाँ पे डूबी स्थिति में मिला है, जिसको भी बॉडी को वहाँ से निकाल कर भी अग्रिम कार्रवाई हेतु पीएम ये रवाना किया गया। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अभी फिलहाल तो लग रहा है कि संदिग्ध मौत है उसकी, अब पीएम और जांच पे पता चलेगा कि क्या। सर ऐसा कहा जा रहा है कि जो पिता ने बच्चे को फेंका है या मानसिक रूप से विषय पिता है, जाँच का विषय है, जाँच पे अपन इसका आगे बात करते हैं। थैंक यू।